का मामला है। आप लोगों को सभी को पता होगा कि विगत दिनों एक अज्ञात डेड बॉडी मिली थी मोहरा घाट पे शिवनाथ नदी पे, जिसकी पहचान बाद में आदित्य के रूप में हुई और जिसकी पंचनामा पीएम कार्रवाई की गई। पीएम के बाद डॉक्टर साहब ने जो रिपोर्ट दिया उसमें रिपोर्ट में बात सामने आई कि इसको गोली मारकर हत्या की गई है। और इस पर से हमारी जो बसंतपुर थाने की टीम है, चिखली चौकी की टीम है और हमारी साइबर टीम, हमारी चीता स्क्वाड और हमारे प्लेन क्लॉथ की टीम इसमें लगातार काम कर रहे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि एक फुटेज के आधार पर हमारी टीम आगे बढ़ी और उसमें एक बात सामने आई कि तीन लोग दिख रहे हैं, जिसमें जो बीच में जो व्यक्ति बैठा है वो पूरा मतलब झुका हुआ दिख रहा है, उसके पैर नीचे को घिसट रहे हैं। तो इस पे जो चीज़ सामने आया था पंचनामा के दौरान जब बॉडी मिली थी उसका पैर पूरा छिला हुआ था नीचे से, तो लगा कि शायद वही घटना है। और इस पर से हम लोगों की कार्रवाई आगे बढ़ी और इसमें लगातार विवेचना क्रम में ये बात सामने आई कि उस दिन इन लोग आपस में पार्टी किए थे और पार्टी में एक बात सामने आई थी कि जो मेन आरोपी है खपट्टा, उसका जो छोटा भाई है, मृतक की माँ के साथ उसका इल्लीगल रिलेशन था, उसी के चलते वो कई बार उसके छोटे भाई को बोला था कि मैं तेरे एक दिन निपटाऊंगा। और इसी बात को लेकर इन लोगों ने सुबह प्लान करी, प्लान करने के बाद इन लोग रात में सब एक साथ दारू पिए, दारू पीने के बाद इसको मार के वहीं पे सीधा इसको स्कूटी में बैठा के जो जहाँ पे बॉडी मिली वहाँ पे छोड़ के आ गए। और जो शेष जो दो साथी थे वहाँ पे मौके पर ही उस जगह को पूरा सफाई कर दिए। इस पर से थाना बसंतपुर में IPC की धारा 302, 201, 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इसमें टोटल चार लोग हैं, चार में से एक नाबालिग है और चारों की गिरफ्तारी हो गई है और पूछताछ में इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है और इनको अभी जुडिशियल रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है।